गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 22 सितंबर 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 12। टुडे इन टुडे वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, एयर वाटर एंड वेदर। So name of your new chapter is air, water and weather, and this is chapter number 12. So student, let understand what are the things you are able to understand after completing this chapter. So what learning objectives are the various forms of water in the atmosphere. As this thing you have studied in class 3 also, that water is present in three forms. Okay, water is present, how many forms of water? That is three forms of water. Okay, solid form means ice. Water is in the form of liquid. Liquid form water. And next, gas, that is water vapor. So three forms of water, it is present in the atmosphere in three forms, that is solid, liquid and gas. Okay, and original form water is in the form of a liquid. Okay, water is in the form of a liquid. The two process which I already explained you in your previous class also, when you are in class 3, when due to the heat of the sun, okay, because sun give light to us also, otherwise the things which are present in the surrounding that are not visible to us. ठीक है, क्योंकि बेटा जब डार्क होता है तो हमें नहीं दिखता, वो तो आपके घर में सब जगह बल्ब जले होते हैं, दैट इज द थिंग, आपको थिंग्स विजिबल होती हैं। और बाय चांस कभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी लाइट चली जाती है तो क्या आपको घर की सारी चीजें क्लियरली वैसे ही दिखती हैं? सो आंसर इज नो, हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। सो एक तो क्या है, वी आर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन एंड we are getting heat of the sun also, and due to this heat of the sun, when this the water, due to this heat of the sun, what's happen? Water evaporate and it change in the gaseous form, and this gaseous form is known as water vapor. So and the name of the process is evaporation. It means on heating. When the sunlight falls on the water, so due to the heat of the sun, water change in the form of a gas. And in this form, it is known as, and it change in the form of a water vapor. Is it clear?
and this process is known as evaporation. Now when we are talking about the solid, so when the temperature is very cool, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो क्या होता है, ऑन कूलिंग द वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस एंड दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन की प्रोसेस मतलब वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस ऑन कूलिंग. आपने ये चीज ऑब्जर्व भी की होगी, आप वाटर लो, कोई छोटे से बाउल में वाटर ले लो एंड यू पुट दैट बाउल इन योर रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है, ठीक है, तो उसके आप फ्रीजर में रख दो. आफ्टर 3-4 आवर्स व्हेन यू टेक आउट द बाउल ऑफ वाटर देन यू विल सी दैट वाटर इज चेंज इनटू अ सॉलिड फॉर्म दैट इज नोन एज आइस. सो ऑन कूलिंग द वॉटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस. सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑन हीटिंग एंड कंडेंसेशन व्हाट हैपन कूलिंग ऑफ द वॉटर. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है व्हाई विंड ब्लो सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. ठीक है, ये भी अभी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपको, सी ब्रिज क्या होती है, लैंड ब्रिज क्या होती है, और जो जो भी आपकी ईयर, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है बेटा, वेदर की कंडीशन चेंज होती हो रही है, ये सब ऑल ड्यू टू द सन. सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है. ठीक है, फिर वाटर साइकिल भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? वाटर साइकिल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इज इट क्लियर? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. फिर नेक्स्ट है हाउ द सन काजेस चेंज इन वेदर. ठीक है, तो हाउ द सन काजेस चेंज इन वेदर दैट आल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. जैसा कि चैप्टर 10 में भी आप नहीं पढ़ा होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है हमारे अर्थ की 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट है. अपने एक्सिस पे जब वो स्पिन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन. क्या बोलते हैं उसको बेटा, रोटेशन. एंड ड्यू टू दिस व्हाट आर फॉर्म, ड्यू टू दिस डे एंड नाइट आर फॉर्म. एंड वन अनदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज इट टेक इट इन अ फिक्स ऑर्बिट इट मूव्स अराउंड द सन. और ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म्ड. इज इट क्लियर? ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ द डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म. सो दैट इज द रीजन जो वेदर में जो भी चेंजेस आती हैं ड्यू टू द सन. ठीक है, सो अब देखो, हाउ इज हैज इट एवर हैपेंड दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग द सन इज शाइनिंग ब्राइटली एंड व्हाइल रिटर्निंग होम यू फाइंड दैट इट बिकम डार्क एंड क्लाउडी. हाउ डज द वेदर चेंज सो सडनली. तो वेदर देखो, क्योंकि मैंने तुम लोग को चैप्टर 10th में भी बताया था आवर अर्थ में, जो अर्थ की जो रोटेशन हो रही है, अपने एक्सिस पे जो स्पिन हो करती है, उसी से डे और नाइट फॉर्म होते हैं. इज इट क्लियर? सो मॉर्निंग में जब आप जाते हो तो ब्राइट रहता है, ठीक है, बहुत लाइट होती है, लेकिन इवनिंग होते होते स्काई कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है. तो हाउ डज द वेदर चेंज सो सडनली. तो ये चेंजेस किसकी वजह से हो रही है, सन की वजह से हो रही है, क्योंकि अर्थ का जो पार्ट सन के सामने था तो उस पर लाइट जा रही थी तो वहाँ डे था, और जो पार्ट अर्थ का जो बिहाइंड पोर्शन है जिसपे लाइट नहीं जा रही है अर्थ की, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, डार्क होगा. तो ये जो वेदर जो चेंज होता है ना बेटा, वेदर की जितनी भी चेंजेस होती हैं ड्यू टू द सन, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से होता है. और वेदर देखो टाइम टू टाइम, हावर टू हावर, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, वेदर क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है. ठीक है, वेदर हमेशा क्या होता है, चेंज होता है. जैसे एकदम मॉर्निंग के समय 5 o'clock और 6 o'clock
जब सन की लाइट उतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट अभी नहीं आई होती है अर्थ के सरफेस पे, उस समय वेदर थोड़ा ज़्यादा कूल होता है, ठीक है। फिर 9 o'clock, 10 o'clock, 11 और 12 o'clock वेदर क्या है, चेंज हो जाती है वेदर में। अगर समर है तो बहुत हॉट हो जाएगा, अगर समर का समय है तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा वेदर, ठीक है। सो इन द सेम मैनर देखो, जो जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वेदर में, वेदर क्या है, फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम, हावर्स टू हावर्स, ठीक है, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, इनमें चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, वेदर में। और ये चेंजेस आती किसकी वजह से है, ड्यू टू द सन, ठीक है, सन की वजह से ये सारी चेंजेस आती रहती हैं। सो जो जितने भी आपके सीजन फॉर्म हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके सीजन फॉर्म हुए हैं, इट इज ड्यू टू द सन, ऑल द सीजन्स आर फॉर्म ड्यू टू द सन, क्योंकि हमारी अर्थ क्या कह रही है, अर्थ इज टेकिंग राउंड ऑफ द सन, तो इस तरह डिफरेंट सीजन भी फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे देखो, इट इज हॉट इन द समर सीजन एंड जब कोल्ड आ जाता है तब उस समय वेदर क्या होता है, विंटर, विंटर सीजन जिसको कहते हैं, इज कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। जैसे समर में हम लोग वेदर क्या बोलते हैं, बहुत हॉट वेदर है, ठीक है, समर में हम लोग बोलते हैं ना कि वेदर कैसा है बेटा, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, ठीक है। और इसी तरह जब विंटर आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर क्या है, कोल्ड है। इज इट क्लियर, वेदर क्या है, कोल्ड है, तो दैट इज द रीजन। देखो बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, तो वेदर क्या है बेटा, वेदर आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है, और क्लाइमेट क्या है, जो जिसमें जल्दी चेंज नहीं आती, कई सालों से वो ही चला आ रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके समझोगे इसको, जैसे अगर हम, जैसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, वाराणसी हमारी सिटी का नाम है, तो इस एरिया को हॉट माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाराणसी में इस डिफरेंस को आप लोग समझ लो बेटा, वेदर, वेदर तो भी बताया और क्लाइमेट, क्लाइमेट बता रहे हैं इसलिए क्लाइमेट को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के एक हॉट सिटी को ले लेते हैं, वाराणसी को, ठीक है, तो वाराणसी का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, हॉट। ओके, व्हाट इज द रीजन, तो जो हॉट एरियाज होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां दूसरे सीजन नहीं होते हैं, सारे सीजन होंगे। वाराणसी हॉट एरिया है, यहाँ समर भी होगा, रेनी सीजन भी आएगा, फिर आपका ऑटम भी आएगा, आपका विंटर भी आएगा, और स्प्रिंग भी आएगा, ठीक है, सारे के सारे सीजन्स आपके आएंगे, फिर भी हमने यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोला, हॉट बोला। तो देखो उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन ये है बेटा, हम क्या कहते हैं कि वाराणसी का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। वेदर तो ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, और सीजन कैसे फॉर्म होते हैं, जब एक ही टाइप का वेदर काफ़ी दिनों तक रह जाता है तो वो सीजन बन जाता है। जैसे गर्मियां हैं, अप्रैल में भी बहुत गर्मी है, मई में भी, जून में भी, जुलाई, तो फिर ये क्या हो गया, काफ़ी समय से, एक बहुत से मंथ से वेदर एक ही जैसा रह जाता है, तो उससे सीजन होते, उसको हम लोग सीजन बोलते हैं। जैसे नवंबर, अब यहाँ यूपी की बात करें तो यहाँ लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही विंटर मंथ्स हैं, और हिल एरियाज में चले जाओगे तो वहाँ अक्टूबर के बाद से ही ठंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो
तो अब इस बात को आप लोग समझोगे, ठीक है। क्लाइमेट क्यों हॉट बोला, ऑल द सीजन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन वाराणसी आल्सो, लेकिन हमने इसके क्लाइमेट को इसलिए हॉट बोला, यहाँ सबसे ज्यादा मतलब समर रेनी ऑटम विंटर स्प्रिंग, इसमें सबसे ज्यादा जो वेदर आपका सीजन सबसे ज्यादा जो इन फाइव सीजन से सबके अलग अलग हैं, समर में हॉट होता है, रेनी में कुछ ठीक होता है, ऑटम ठंड से पहले का समय होता है मतलब हल्की ठंड की स्टार्टिंग हो जाती है, विंटर कूल होता है, स्प्रिंग में ना तो डेज बहुत हॉट होंगे और ना तो नाइट्स बहुत कोल्ड नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपके समर सीजन से पहले आता है, ठीक है। तो इसको हॉट इसलिए बोला कि ये फाइव सीजन है, इन फाइव सीजन में सबसे ज़्यादा जो सीजन सबसे बड़ा है वो है आपका समर, ये हॉट सीजन, ठीक है। समर यहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हॉट है, ऐसा नहीं है कि बाकी सीजन नहीं है, लेकिन समर मतलब यहाँ हॉट सबसे ज़्यादा, गर्मी यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट। आगे बात समझ में, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ का क्लाइमेट हॉट है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सीजन वाला सीजन कौन है, समर, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोला, हॉट बोला, ठीक है। एक एग्जांपल और इसी पे समझ लो, अब ये तो हॉट एरिया लिया था हमने, अब एक हम लोग जम्मू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ का क्या है, कोल्ड है क्लाइमेट, यहाँ के क्लाइमेट को कोल्ड बोला हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, हिली एरिया है, ठीक है। यहाँ के क्लाइमेट को हमने कोल्ड बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि यहाँ समर नहीं होता, कि रेनी सीजन नहीं होता, ऑटम नहीं होता, विंटर नहीं होता, स्प्रिंग नहीं होता, फाइव के फाइव सीजन होते हैं, लेकिन यहाँ के क्लाइमेट को कोल्ड हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ हिली एरिया, यहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ क्या पड़ती है, मैक्सिमम वेदर जो है यहाँ कैसा है, मैक्सिमम वेदर इज कोल्ड, मैक्सिमम सबसे ज्यादा यहाँ क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है पहाड़ों में, लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च देख लो, छः महीने ले लो आप लोग, अक्टूबर से लगभग ठंड स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी में बहुत ठंड होती है, फरवरी में बहुत ठंड होती है, लगभग मार्च के स्टार्टिंग तक भी ठंड रहती है, मतलब 5-6 महीना यहाँ ठंडी रहती है, तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हुआ क्योंकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेदर कैसा रहा है, कोल्ड रहा है, सबसे ज़्यादा वेदर यहाँ क्या रहता है, कोल्ड रहता है। बाकी भी सीजन है लेकिन ये शॉर्ट सीजन है, ये उतने बड़े नहीं होते जितना कि यहाँ पे विंटर होता है, विंटर क्या है यहाँ मैक्सिमम यहाँ क्या रहता है, कोल्ड रहता है, ठीक है। सो क्या रहता है, कोल्ड रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हिलीज एरिया है उनका क्लाइमेट क्या है, कोल्ड। तो क्लाइमेट अब मुझे आई होप कि पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ऐसी कंडीशन है जो हजारों साल से सेम ही चली आ रही है। जब भी हम हिल स्टेशंस की बात करते हैं बेटा, तो हमेशा हमारे दिमाग में यही पिक्चर आती है, हिल स्टेशन जा रहे हैं मतलब कोल्ड वेदर वाली प्लेसेस में जा रहे हैं। तो हिल स्टेशन का क्लाइमेट हमेशा जहाँ ठंड ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट क्या हुआ, कोल्ड। और आप जैसे यूपी में हो तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है बेटा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ सीजन बड़ा होता है वो कौन होता है, समर होता है, इसलिए यूपी का क्लाइमेट क्या हुआ, हॉट हुआ। तो ये हुआ क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस। आई होप आप सबको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वेदर क्या चीज़ होती है और क्लाइमेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स भी वेयर करते हैं,
according to different season we wear different types of clothes also. Okay, so student, I will continue this topic in the next video. Thank you.